धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं उसमें, तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे आप जिस पार्टी में रहे आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में SIT बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हाँ, ये उन्होंने पालन किया क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज PMO के पास है, बाकी मंत्रियों जो के हाल है आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई नहीं, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी थी। 2014 के बाद पहला निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया नोटबंदी का, और उस नोटबंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान था, मैं इसी राज्यसभा के सदन में, इट इज अ मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट विल हर्ट स्मॉल एंड MSME अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्रीकल्चर एंड द पुअर, इट इज एन ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज ब्लंडर एंड देयर विल बी अ 2% ड्रॉप इन द GDP। जो उन्होंने कहा था एक एक बात सही निकली है। नोटबंदी के लिए ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। उस समय डिजिटल ट्रेडिंग की वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय सर्कुलेशन ऑफ करेंसी 17.5 लाख करोड़ था। आज 2021 में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी हैज गॉन अप टू 27.8 लाख करोड़। What has happened, Honorable Prime Minister? Will you please answer? Or Honorable Finance Minister, will you please give us the details? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और SMEs ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, आपके एजेंडे में था धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने किया, लेकिन अटल जी ने जो बात कही थी कश्मीर समस्या के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा इसका हल है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत।
इन 370 का कानून जब आप लाए तो कहीं भी किसी प्रकार से ना जमहूरियत नजर आई, ना इंसानियत नजर आई और ना कश्मीरियत नजर आई। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे तरीके से पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा लोग आतंकवाद की गतिविधियों में आहत हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आहत हुए हैं। और जो कश्मीर घाटी के लीडर्स जिन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत हमेशा चुनाव लड़े, सरकारें बनाई, आपने उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्या यही जमहूरियत है, यही इंसानियत है और यही कश्मीरियत है? आप सीए एनआरसी लाए, ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप लाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास, 2019 में उन्होंने जोड़ दिया सबका विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों का विश्वास सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए उनके विश्वास उन्होंने लिया? क्या उन वर्गों का उन्होंने विश्वास लिया जो कई दिनों तक ठंड में आंदोलन करते रहे? आज यदि आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये धीरे धीरे ये सरकार विश्वास खोती जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत कुछ बातें हमारे सिंधिया जी ने और हमारे मित्रों ने यहां कही है कोरोना वायरस के बारे में। पहला केस चाइना में डिटेक्ट हुआ दिसंबर 2019 में, भारत में जनवरी 2020 में केरला में केस डिटेक्ट हुआ, उसकी डेथ हुई। राहुल जी ने 12 फरवरी 2020 को यह बयान दिया था कि यह पेंडेमिक आ रहा है, होशियार हो जाइए। फिर उन्होंने दोहराया 3 मार्च 2020 कि इसमें आप सचेत हो जाइए, इसकी तैयारी करिए। इनका उनके बयान का मखौल उड़ाया गया। 5 मार्च को पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने केवल चाइना और हांगकांग के आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करी, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केसेस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना जरूरी था। 24 और 25 फरवरी को उस देश से जहां की कोरोना वायरस के केसेस थे उनके लिए लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर उनको इकट्ठा किया गया, और यहां के अहमदाबाद की गरीबी और झुग्गी झोपड़ी को ना देख पाए उसके लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने माननीय सिंधिया जी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, किन कारणों से वे पार्टी छोड़कर भाजपा के शरण में गए मैं नहीं जानता, वो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन 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 जिस प्रकार से कोरोना वायरस के प्रकोप को टालने के लिए उन्होंने उसको टाला, क्यों टाला? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको समय चाहिए था, और जिस दिन सरकार उनकी बन गई उस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के पहले जनता कर्फ्यू, थाली पीटिए, दिया जलाइए, घंटी बजाइए, कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा, महाभारत 18 दिन में जीते थे। ये जिस इस सोच का प्रधानमंत्री इस देश में हो, इसका हम लोग क्या कहें? मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन लगाया,
अरे सिंगापुर जैसे राष्ट्र ने 8 दिन का समय दिया और भारतवर्ष के अंदर 4 घंटे का समय, 4 घंटे में लॉकडाउन। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मेरा ये आरोप है। और ये सदन जो कि हाउस ऑफ द स्टेट से, उसके अंदर सिंधिया जी चले गए, अच्छा ठीक, ठीक है आ जाए, अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिना मुख्यमंत्रियों से चर्चा करे, बिना राज्यों से चर्चा करे 130 करोड़ की जनता के देश में 4 घंटे का समय आपने दिया लॉकडाउन लगाने का, आपने सूचित भी नहीं किया। और उसका क्या कार्य, उसका क्या हश्र हुआ, माइग्रेंट लेबर पूरे देश में परेशान हो गया। उसको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, 21 दिन बिता लेंगे, लेकिन जब उसको लगा कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके पास ना पैसा था, ना खाने का, ना पीने का, रहने का, ना किराए का, ना रेल, ना सड़क की कोई बसें, क्या करता, लाखों लोग पैदल निकल पड़े और निकल पड़े सैकड़ों लोग की मौत हो गई, गर्भवती महिलाओं का बच्चा पैदा हो गया, और कुछ तो पैदल चले, एक महिला तो साइकिल पर बैठा कर अपने पिता को झारखंड तक ले गई। ये यदि लॉकडाउन का समय का आप 8 दिन का दे देते, 7 दिन का दे देते, तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। आपने थाली बजाने के बजाय, घंटी बजाने के बजाय कह देते कि हम फला तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप सब अपने घर चले जाइए। स्टूडेंट्स फंस गए, यात्री फंस गए, टूरिस्ट फंस गए, और जो हालात हुए आप देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन पैकेज आपने 20 लाख करोड़ का दिया, अन्य विकसित देशों ने ग्रांट के रूप में दिया, आपने लोन के रूप में दिया। अप्रोच गलत था वित्त मंत्री महोदया जी, मेरा आपसे कहना था यदि डिमांड स्टिमुलस का आपका पैकेज होता तो हालात सुधरते, लोगों को उनके हाथ में पैसे की आवश्यकता थी, लोन की आवश्यकता नहीं थी। उनको आज आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग उनके हाथ में पैसा दें, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप न्याय योजना के अंतर्गत जिस तरह हमने प्रस्तावित किया था, उस न्याय योजना के अंतर्गत आप गरीब और मजदूरों के और बेरोजगारों के हाथ में पैसा दे दीजिए, वो अपना परिवार चला लेंगे। वो आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत परेशानी आई। माननीय सभापति महोदय, आपदा में अवसर मोदी जी खूब अच्छा जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी भारत आपदा में अवसर निकालने में माहिर है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए, पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में। जब प्रधानमंत्री पीएम हमारी रिलीफ फंड पहले से था तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी, और उसमें भी ना वो आरटीआई से को हम जवाब ले सकते हैं और ना उसके बारे में कुछ हम हिसाब मांग सकते हैं, और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। जो वेंटिलेटर की कीमत तय की गई उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ मैं माननीय सभापति आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा है कोविड सिचुएशन को डील करने में। आपने वैक्सीन का आप काफ़ी श्रेय ले रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, जिसको वैक्सीन लगवाना हो लगाए, लेकिन 35,000 करोड़ का प्रावधान आपने को वैक्सीन के लिए रखा है, कितने लोगों को लगा पाएंगे आप? साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसका जो क्लियरेंस मिला है ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इमरजेंसी यूज, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछला सत्र राज्यसभा के इतिहास, संसदीय इतिहास में काला सत्र माना जाना चाहिए। आपने
किसान और मजदूर और सहकारिता आंदोलन के खिलाफ आप जो ऑर्डिनेंस लाए उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला ऑर्डिनेंस कौन सा लाए? लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त किया जाए। ये तो भला करे उस समय के लोगों को जो समझदार लोग थे उस समय, आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं जिन्होंने कि उनको बाध्य किया कि आप ऑर्डिनेंस समाप्त उसको लैप्स होने दीजिए। ये तीन एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए उसका जवाब, और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुणदोषों पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो में उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उपसभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को उसको पटल में रखना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा है, आज अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाय पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई, ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेड यूनियंस के बारे में, जो मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके चार उन्होंने लेबर कोड बनाए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे, भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का, भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है। ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है। लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है, किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन आप देखेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस आया है जिसमें कि अब शेयर्स कोऑपरेटिव के विभाग के शेयर्स लिस्टेड होंगे अब शेयर बाजार में। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक मार्केट फेडरेशन में ये उसमें शेयर खरीद सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सहकारिता आंदोलन के भीष्म पितामह सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आपने 600 फुट की मूर्ति तो बना दी,